स्वागत है कनिष्क, त्रिनाल लोक के राजकुमार का त्रिनाल लोक में स्वागत है। अमृता ने अर्जुन की बाह पर तिलस्म चिन्ह बना रखा है, पर मैं वो चिन्ह देख ही नहीं पा रही। बिल्कुल सही समझा आपने, मणि को पाने का राज उसी तिलस्म चिन्ह में है। उस गुप्त सांकेतिक शब्द का हम खुद पता लगा लेंगे। रॉन्ग नंबर। अमृता, भाभी साहब, हम लोग जरा काम से बाहर गए थे। कब? अभी अभी तो हमने आपको आपकी कमरे की तरफ जाते हुए देखा। यानी घर में कोई हमारे रूप में मौजूद है। तुम्हारा मरना जरूरी है अर्जुन, तुम्हारी मौत के बाद ही मैं मणि हासिल करने का गुप्त सांकेतिक शब्द जान पाऊंगा। अमृता, ये तो अमृता कैसे दिखाई दे रही है? लगता है फिर से कोई जादू टोना कर रही है। हे भगवान, हमारे परिवार की रक्षा करो। अर्जुन रुकिए, ये अमृता नहीं है। हम अमृता है, आपकी पत्नी। ये तो कोई ढोंगी है। अच्छा, तो अभी पता चल जाए। हुआ तू भी आ गई नागिन, अब तुम दोनों मरोगी। मारोगी तो तब ना, जब तुम खुद जिंदा बचोगी। अमृता, ये सब क्या हो रहा है? हम आपको सब कुछ बताएंगे अर्जुन, लेकिन इस वक्त इस कमरे से बाहर जाइए। अमृता, हम कहीं नहीं जाएंगे, बताइए क्या हो रहा है? ये बहुत खतरनाक है, बाहर जाइए इस कमरे से। तुम्हारे हाथ हमारे सुहाग तक पहुंच गए, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब अब तक हमारे साथ आपने ही ये थी? हाँ अर्जुन, उन लोगों ने हमें माया भर में कैद कर लिया था। अर्जुन, अर्जुन! हमें तब एहसास हुआ कि ये सब उनकी चाल थी।
हमें अपनी नहीं, आपकी चिंता है अमृता। पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब तक आपका प्यार हमारे साथ है कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ अमृता, जब तक हमारा प्यार साथ है और हम साथ हैं, हमें और हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। इतना बड़ा धोखा, हमारी चेतावनी देने के बाद भी तुमने हमारे पोते की जान लेने की कोशिश की। मर्जारिका, मर्जारिका, अग्नि वायु सामने आओ। क्या हुआ नागरानी? मर्जारिका ने हमारे पोते की जान लेने की कोशिश की है। हमारे परिवार और हमारे ख्वाहिशों की तरफ उठने वाली आंखों को हम नोच के फेंक देंगे। मर्जारिका ने जो किया जरूरी था। क्या जरूरी था? हमारे पोते की जान लेना। हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि हमारे परिवार के किसी भी सदस्य पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आप हर तरफ से फायदा देख रही हैं त्रिवेणी, अगर मणि पानी है तो कीमत तो चुकानी पड़ी। हमारे सपनों की कीमत हमारे पोते की जान नहीं हो सकती। लेकिन हमारे मकसद क्या है? तुम्हारे पोते की जान की कोई कीमत नहीं। मणि तो हम हासिल करके ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें अर्जुन को मारना पड़े या तुम्हें। मर्जारिका, ये तो खुलेआम जंग का ऐलान कर रहे हैं। तुम्हारी ये हिम्मत, दुश्मनी महंगी पड़ेगी। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रही हो। हम वापस आएंगे त्रिवेणी। अब चाहे जिंदगी भर रोते बिलखते रहो, लेकिन हमारे सिवाय इस कुएं से आपको कोई नहीं निकाल सकता। अर्जुन बेटा, हमारे होते हुए हम आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। क्या बात है डॉक्टर, सब कुछ ठीक है ना? चिंता की तो कोई बात नहीं ना? चिंता की बात नहीं है, डबल खुशी की बात है जी। हम कुछ समझे नहीं। यानी कि आपके यहाँ दो दो बच्चे होने वाले हैं? आपका मतलब जुड़वा? जी हाँ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आज अमृता कितनी खुश दिख रही है। क्या हुआ कनिष्क? आप तो जानते हैं ना पिताजी, अमृता गर्भवती है। हाँ कनिष्क, लेकिन इस बच्चे का जन्म अमृता की जान के लिए सकता है। मगर कोई तो रास्ता होगा पिताजी। है, उसे अभिमन्यु यज्ञ करना होगा। अभिमन्यु यज्ञ? हाँ कनिष्क, जिस तरह अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या सीख ली थी, उसी तरह
इस अग्मन्यु यज्ञ से अमृता की संतान को पैदा होने से पहले ही बुरी बलाओं से बचाया जा सकता है। ये कनिष्क अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कनिष्क को हमारा संदेश ही नहीं मिला? जैसे ही हमें आपकी परेशानी का संकेत मिला, हम तुरंत आ गए। बात क्या है अमृता? कनिष्क, हम बहुत घबरा गए। हमें माया जाल में फंसाया गया। अर्जुन पर जानलेवा हमला किया गया। हमें ऐसा लगता है जैसे किसी को अर्जुन के शरीर पर बने तिलस्म चिन्ह का राज पता चल गया है और भविष्य में भी अर्जुन पर जानलेवा हमला हो सकता है और हमारे बच्चों पर भी। जुड़वा बच्चे, आपको कैसे पता कनिष्क? क्या हमें जुड़वा बच्चे होने वाले? हमें आपके बारे में हर बात पता है अमृता। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमारे होते हुए आपके दुश्मन आपके और आपके परिवार की परछाई तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। हमें आपसे यही उम्मीद थी कनिष्क। पर एक समस्या और है अमृता, और उसका उपाय आपको करना होगा। कैसी समस्या? कैसा हल? आपके होने वाली संतानों में इंसान और नाग का संयोग है। उनके जन्म में कई बाधाएं और उन्हें दूर करने के लिए आपको अभिमन्यु यज्ञ करना होगा, और अमृता उसके लिए आपको कुरु गुफा में जाना होगा, क्योंकि संतानों के जन्म के 40 घंटे पहले आपकी सारी शक्तियां निष्क्रिय हो जाएंगी। और अमृता, ये यज्ञ आपको बहुत जल्द करना होगा, क्योंकि अब चंद्रमा 3 कलां है और ये यज्ञ तभी हो सकता है। ठीक है कनिष्क, हम जल्द से जल्द कुरु गुफा चले जाएंगे। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारा फर्ज है अमृता। यही वक्त है जब हम अर्जुन और हमारे परिवार को भी खतरे से बचा सकते हैं। अभिमन्यु यज्ञ में हम मनी और इच्छाधारी नागिन के सारे राज अपने बच्चे को बता देंगे, ताकि हमें कुछ भी हो जाए तो भी मनी हमारे बच्चों के पास सुरक्षित रहेगी। पर आप इस वासुकी जहर का करेंगी क्या? ये जहर इतना तेज है, इसके प्रभाव से देवता भी मर सकते हैं। अगर इस जहर ने अमृता को छू भी लिया ना, तो उसकी मौत निश्चित है। पर आपने हमसे वादा किया था कि अमृता को हम मारेंगे। तो आप मार दीजिए, हमें तो बस अमृता की मौत और नागमणि से मतलब है। लीजिए। जलालुद्दीन मोहम्मद, हम उससे आपके होने वाली संतान इंसान और नाग का संयोग है। उनके जन्म के लिए बात है और उन्हें दूर करने के लिए आपको अभिमन्यु यज्ञ करना होगा। अपने होने वाले बच्चों के ख्यालों में आप इतने खोई हुई हैं कि जब बच्चे पैदा होंगे ना, तब आप हमें भुला देना। अर्जुन, हमें आपसे एक बात करनी है। कहिए। हमें एक पूजा करनी होगी। भगवान का दिया हुआ तो सब कुछ है हमारे पास। अब आप सायनाथ से क्या मांगना चाहते हैं? आप समझ नहीं रहे अर्जुन। देखिए, आप एक इंसान हैं और हम एक इच्छाधारी नागिन, इसलिए हमारे बच्चे की सलामती के लिए हमें ये पूजा करनी ही होगी। हाँ तो कर लीजिए पूजा। क्या तैयारी करनी होगी? ये पूजा करने के लिए हमें कुरु गुफा में जाना होगा। इस हालत में? नहीं नहीं अमृता, हम आपको जाने नहीं दे सकते। अब घर पे ही पूजा कर लीजिए। अर्जुन, ये पूजा घर पर नहीं हो सकती, ये सिर्फ कुरु गुफा में ही हो सकती है। लेकिन अमृता, अब इस हालत में बच्चे, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। अर्जुन, ये पूजा हम अपने बच्चे की सलामती के लिए तो कर रहे हैं ना। हम पर भरोसा रखिए,
हम सब संभाल लेंगे। अब मान भी चाहिए अर्जुन। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। ठीक है। इस मौके को हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। हम अमृता को कुरु गुफा में ही खत्म कर देंगे। सुरम्या, सुरम्या, सुरम्या कहाँ हैं आप? क्या हुआ त्रिवेणी? अमृता यज्ञ करने के लिए कुरु गुफा में जा रही है। कैसा यज्ञ? जब कोई इच्छाधारी नागिन इंसान के बच्चे को जन्म देती है तो उसकी सुरक्षा के लिए ये यज्ञ करती है। आपकी दुश्मन अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए यज्ञ कर रही है और ये आपको खुशखबरी लगती है? हाँ, क्योंकि अमृता वहाँ पे असुरक्षित होगी और हम आसानी से उसे मार सकेंगे। आज आपको हो क्या गया है? मणि मिले बगैर आप अमृता को खत्म करने की बात कर रही हैं? मणि का राज जानना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। हमने अपनी शक्ति से पता लगा लिया है कि अमृता के मरते ही अर्जुन का तिलस्मी चिन्ह हमें दिखाई देने लगेगा। फिर मणि का राज जानना कोई मुश्किल नहीं होगा। सुरम्या, वसु के जहर का इंतजाम कीजिए। पर आप इस वासु की जहर का करेंगी क्या? ये जहर इतना तेज है, इसके प्रभाव से देवता भी मर सकते हैं। अगर इस जहर ने अमृता को छू भी लिया ना, तो उसकी मौत निश्चित है। पर आपने हमसे वादा किया था कि अमृता को हम मारेंगे। तो आप मार दीजिए, हमें तो बस अमृता की मौत और नागमणि से मतलब है। दीजिए। सुरम्या, अमृता की पूजा खत्म होने से पहले हमें उसे खत्म करना होगा। आप ये वसु की जहर उस दूध में मिला दीजिए। जलालुद्दीन मोहम्मद, हम उससे इतनी नफरत करते हैं कि उसका We'll be right back.
ये मंत्र? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नागिन हमारे साथ बहुत बड़ी चाल चल गई। ये बात इसके दिमाग में आई कैसे?